सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आईबीपीएस की तरफ से बहुत बड़ी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे जारी कर दिया गया है। पोस्ट जो है क्लर्क के पोस्ट यहां पे निकला हुआ है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो भी पब्लिश हो गया है, तो इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूरा जानकारी जो है आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन करने के आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ पूरा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको मैं डाउनलोड करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। सिलेबस से लेकर सब कुछ आप लोगों को वन बाय वन यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। IBPS जो है रिसेंटली मतलब कल ही ये जिसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। एंड कल से जो है यहाँ पे ऑफिशियली जो एप्लीकेशन वो भी स्टार्टिंग हो गया है, तो मैं आप लोगों को उसको भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के थ्रू ड्यूरेशन आप लोगों को बताऊंगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस आपको किस तरह से करना है। एंड आप लोग किस तरह से यहाँ पे जो है एप्लीकेशन करके आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लर्क के पोजिशन के लिए। IBPS की तरफ से बहुत बड़ी एक मौका है। 1500 से भी ज़्यादा इस बार पोस्ट अवेलेबल हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। तो जो जो कैंडिडेट IBPS एंड बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे उन सारे कैंडिडेट को बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी मौका आ रहा है आपके सामने। अगर आप लोग इस मौका को हाथ से जाने दें तो बहुत बड़ी आप लोग भूल करेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा जल्द से जल्द जाके एप्लीकेशन कर दीजिए। एंड इस वीडियो को पूरा देखिए जहाँ पे आप लोगों को सारे जानकारी वन बाय वन मिल जाएगा। एंड आप लोग किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं उसका भी आप लोगों को डिटेल्स में पता चल चुका। तो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन आप लोगों को वहाँ पे जाके वन बाय वन क्लियर करके आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इंटरव्यू डिटेल्स क्या है, सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या जानकारी यहाँ पे दिया गया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के होता है। तो चलिए अभी आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में, वहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करके आप लोग वहां पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं IBPS के जो क्लर्क के पोस्ट निकला उसका ही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स के साथ बताऊँगा कि IBPS के जो क्लर्क के पोस्ट निकला हुआ है इस क्लर्क पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में और इसी के साथ साथ बने रहे पूरा वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को सारे जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर जो बैंक के अंदर क्लर्क के पोस्ट निकला हुआ है, जहाँ पे देख सकते हो बैंक के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनाइटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब बैंक के अंदर जो है क्लर्क के पोस्ट निकला हुआ है, जहाँ पे 2nd जो है सेप्टेम्बर से चालू होने वाला है एप्लीकेशन एंड 23rd September 2020 तक जो है आप लोगों का लास्ट डेट दिया गया है। इसी के साथ साथ बता दिया गया है जो एप्लीकेशन करने के डेट के साथ जो पेमेंट ऑप्शन है वो भी सेम डेट से चालू होगा एंड बंद होगा। एग्ज़ाम जो है यहाँ पे बता दिया जा रहा है जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 5th December 2020 में होने वाला है, जो कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम एंड रिजल्ट जो इसका आएगा 31st December 2020 एंड इसके बाद ऑनलाइन के जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है 24th January 2021 एंड जो इसका जो रिजल्ट आने वाला है 1st April 2021 में आपको जो है इसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो क्लर्क 10 के हिसाब से अगर ये पोस्ट एप्लीकेशन करना चाहते हो आप लोग, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा और नेपाल भूटान के कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। मिनिमम जो एज लिमिट यहाँ पे दिया जा रहा है 21 से 28 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो देन आपको जो है आपका जो एज रिडक्शन है 5 to 10 ईयर्स आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद चला आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है डिटेल्स दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा हर एक कैंडिडेट। अगर आप कंप्लीट कर चुके पास कोर्स में तब भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, अगर आप ऑनर्स लेके कंप्लीट कर चुके हो तब भी आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर एक डिग्री के जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, हर एक डॉक्यूमेंट्स को जो ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट्स आपको सब कुछ आपके पास होना चाहिए। एंड इस बार जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के साथ साथ मेन एग्ज़ाम भी होने वाला है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 100 मार्क्स के होगा एंड मेन एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ और क्या क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोगों को दिया गया उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया में 1557 प्लस वैकेंसी इस बार निकला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। सो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट बोथ आर इक्वली एलिजिबल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते क्लियरली मेंशन किया गया है जो 100 मार्क्स के जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 मार्क के क्वेश्चन होगा, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स को यहाँ पे दिया जाएगा। कट ऑफ भी आप लोगों को मिल जाएगा एंड नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पे दिया नहीं गया है उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड जो मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे 200 मार्क्स के यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम के जब आप जाओगे वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपको ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर में। अगर आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाए तो आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा एंड एग्ज़ाम नहीं देने देगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के साथ साथ जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया है आज से। आपको क्या करना होगा, आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, उन सारे डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ भी लेके आपको जो है कंप्यूटर में जाना होगा एंड वहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने का जो मोड दिया गया ऑनलाइन मोड है, आपको ऑनलाइन में जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा एप्लीकेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दिया जा रहा है उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बैंक आप लोगों को बता दिया गया उन सारे बैंक के अंदर आप लोगों को जॉब लोकेशन मिल जाएगा एंड ऑल ओवर इंडिया में जो है जॉब लोकेशन आपको रहेगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर भी आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा जो कैंडिडेट इस बार एप्लीकेशन करना चाहते हो ध्यान से करिए। एंड आपका जो एप्लीकेशन है बहुत ही जल्द जो है लास्ट डेट दिया गया 23 सितंबर 2020, इसी के अंदर आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर देना होगा। इसीलिए जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिए। ऑनलाइन में जो एप्लीकेशन के लिंक है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है। अगर अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया गया है तो आप लोग जल्द से जल्द जाके कर सकते हो। लिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ पे ऑफिशियल जो IBPS के जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा बार बार ट्राई कीजिए एंड वहाँ पे आपका जो लिंक है आपको जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप लोग वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो आप लोग भेज सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल गया किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा, कहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा एंड और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉमेंट कर सकते, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।